तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि WhatsApp पे PDF है और वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आना है सर्च बार में और यहाँ पर सर्च कर लीजिए PDF व्यूअर या फिर PDF रीडर, जो भी सर्च करना है कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने लीजिए PDF रीडर सर्च कर लिया, ठीक है। PDF रीडर सर्च करने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए एक आता है एडोबी का जो 44 MB का आता है और एक आता है 1.5 MB 2 MB, जो भी आपका मोबाइल का साइज, अगर अच्छा रैम खाली है तो आप आराम से लॉन्ग वाला जो है यहाँ पर PDF 44 MB का उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर कम एवरेज कम स्पेस है तो यहाँ पर सिंपली कोई सा भी, जैसे मान लीजिए यहाँ PDF रीडर ऐप है जो 7-8 MB का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो भी परमिशन मांगे उसको अलाउ कर लीजिएगा। अलाउ करने के बाद अब क्या करना है, सिंपली जो भी WhatsApp से आपका PDF आया है उसको क्लिक करना है और वहाँ पर जाने के बाद उसको डाउनलोड करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तों जैसे मैं फिर से दोबारा भेजा हूँ, अब देखिए यहाँ पर जब भी आपको कोई कोई PDF आता है तो सेम टू सेम इसी तरह देखिएगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब जो आप ऐप डाउनलोड किए हैं ना उसके देखिए यहाँ पर देख रहा है PDF रीडर जो मेरा WhatsApp है और मेरे ऑलरेडी ये एक गूगल की तरफ से है जो मेरे मोबाइल के साथ आया है। कई लोग मोबाइल के साथ नहीं होता, डिफॉल्ट नहीं होता है, तो उनको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो PDF रीडर मैं अभी डाउनलोड कराया हूँ प्ले स्टोर से, उस ऐप को, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हो सकता है एक ऐड आए या फिर ये ऑटोमेटिक ऑन भी हो सकता है। देखिए ऐड आ रहा है, तो दोस्तों जो भी PDF जो भी ऐड आएगा ऐड को कट करिएगा और आपके सामने ये जो PDF है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपके वो ऐप मोबाइल में नहीं होगा तो ये दिक्कत होता है, ठीक है। इस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।